हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम लोग क्लास टेन की जो एन सी आर टी एग्जाम्पल है इसके चैप्टर नंबर फाइव अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज फाइव पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर सेवन एंड क्वेश्चन नंबर एट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन इज इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग सिचुएशंस डू द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व फॉर्म एन ए पी गिव रीजन फॉर योर आंसर इसमें कहा गया है कि हमें डिफरेंट सिचुएशन गिवन है तो जो नंबर्स इन्वॉल्व हैं उससे क्या एक ए पी फॉर्म हो रही है कि नहीं हमें इसके लिए अपने आंसर का रीज़न भी देना है ओके okay? तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे गिवन है द फी चार्ज फ्रॉम अ स्टूडेंट एवरी मंथ बाय अ स्कूल फॉर द होल सेशन व्हेन द मंथली फी इज़ रुपीज़ फोर हंड्रेड ठीक है कि हर स्टूडेंट से जो फीस चार्ज करी जाती है हर मंथ में एवरी मंथ ठीक है पूरे सेशन में वो चार्ज करी जा रही है फोर हंड्रेड की ठीक है तो मंथली फ़ीस क्योंकि फोर हंड्रेड है और हर मंथ में इतनी ही फीस एवरी मंथ चार्ज करी जा रही है हो सेशन में मींस कि फोर हंड्रेड सेकेंड मंथ के लिए भी हो गई फोर हंड्रेड थर्ड मंथ के लिए भी हो गई एंड फोर हंड्रेड आगे जो भी मतलब मंथ्स हैं सभी के लिए जो है फोर हंड्रेड फीस है मंथली फ़ीस है तो हम लोग तो फर्स्टली यहाँ पे डी की वैल्यू मीन्स कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं तो यहाँ पे जो कंटिन्यूस टर्म्स हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है ज़ीरो का है ओके okay, अगेन जब हम इनके बीच में निकालेंगे इन दोनों टर्म्स के बीच में तो अगेन हमें ज़ीरो ही मिलेगा फिर अगर हम इसमें निकालते हैं तो ज़ीरो मिलेगा और आगे भी जब हम निकालेंगे तो हमें ज़ीरो ही मिलेगा क्योंकि फोर हंड्रेड हर मंथ की फीस है ओके okay, तो क्योंकि यहाँ पे डी सेम है है ना कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए भले ही वो जीरो है बट है तो सेम ठीक है इसलिए यहाँ पे ये ए पी सीरीज फॉर्म करेगा ठीक है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर में कि इट फॉर्म्स एन ए पी एस डी इज सेम ओके सेकेंड पार्ट इज़ द फी चार्ज एवरी मंथ बाय आई स्कूल फ्रॉम क्लासेस फर्स्ट टू ट्वेल्थ वेन द मंथली फी फॉर रुपीज़ मंथली फी फॉर क्लास वन इज़ रुपीज़ टू फिफ्टी एंड इन इट इंक्रीजेज बाय रुपीज़ फिफ्टी फॉर द नेक्स्ट हायर क्लासेस ठीक है यहाँ पर क्या कहा गया है कि किसी एक स्कूल में जो क्लास वन है वन से लेकर के ट्वेल्थ तक की जो भी मंथली फ़ीस लगती है उसमें हर ईयर क्या हो जाता है फिफ्टी रुपीज़ यानी कि जैसे बच्चा हायर क्लास में जा रहा है जैसे फर्स्ट से सेकेंड में जा रहा है तो फिफ्टी रुपीज़ इंक्रीज़ हो गई फर्स्टली इनिशियल क्लास वन में कितनी फ़ीस है टू फिफ्टी की है जब वो सेकेंड क्लास में जाएगा तो फिफ्टी रुपीज़ और इंक्रीज़ हो जाएगी मीन्स थ्री हंड्रेड की हो जाएगी अगेन जब थर्ड क्लास में जाएगा तो वो फिफ्टी रुपीज़ और इंक्रीज़ हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर जो हमें नंबर्स गिवन यानी कि फ़र्स्ट जो है हमें क्या दे रखा है रुपीज़ टू फिफ्टी फ़ीस दे रखी है अगर क्लास वन में जब बच्चा है तो उसकी फ़ीस कितनी जा रही है टू फिफ्टी की जा रही है ठीक है जब वो सेकेंड क्लास में जाएगा ये हो गई क्लास वन की ठीक है जब वो सेकेंड क्लास में जाएगा तो क्या हो जाएगा फिफ्टी रुपीज़ और इंक्रीज हो जाएगी मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगी उसकी फ़ीस रुपीज़ थ्री हंड्रेड की हो जाएगी ठीक है जब वो थर्ड में जाएगा तो अगेन क्या हो जाएगा थ्री हंड्रेड प्लस फिफ्टी हो जाएगा मीन्स थ्री फिफ्टी हो जाएगा ओके okay, इसी तरीके से जब वो फोर्थ में जाएगा तो फोर हंड्रेड की फ़ीस हो जाएगी तो इस तरीके से फीस चार्ज हो रही है तो हमें यहाँ पे जो सीरीज मिल रही है वो क्या मिल रही है टू फिफ्टी दैन थ्री हंड्रेड देन थ्री फिफ्टी फोर हंड्रेड एंड सो ऑन ठीक है इसी तरीके से क्लास एट जब ट्वेल्थ तक की जाएगा तो हर ईयर जो है हर सेशन में फिफ्टी रुपीज़ इंक्रीज़ हो जाएगी तो यहाँ पर डिफ्रेंस क्या आ रहा है यहाँ पर इनका डिफ्रेंस आ रहा है फिफ्टी का यहाँ पे भी डिफरेंस फिफ्टी का आ रहा है यहाँ पे भी डिफरेंस फिफ्टी का आ रहा है तो इसी तरीके से आगे भी फिफ्टी का ही आएगा है ना क्योंकि फिफ्टी रुपीज इंक्रीज हो रही है तो इट मीन्स क्योंकि डी सेम है इसलिए यहाँ पे एपी सीरीज फॉर्म हो रही है तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे इट फॉर्म्स एन ए पी एस डी इज सेम नाउ थर्ड इज द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट ऑफ वरुण एट द एंड ऑफ एवरी ईयर वैन रुपीज़ वन थाउजेंड इज़ डिपॉजिटेड एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ टेन परसेंट पर एन एम ठीक है तो हमें बताना है कि जो प्रिंसिपल है यहाँ पे दैट इज इक्वल टू रुपीज़ वन थाउजेंड ठीक है और जो सिंपल इंटरेस्ट के लिए रेट दे रखा है रेट परसेंट यहाँ पे हमें क्या दे रखा है टेन परसेंट पर एन तो क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि जो अमाउंट बन रहा है एवरी ईयर प्रिंसिपल हमारा सेम है वन थाउजेंड का ही है और जो है जो अमाउंट बन रहा है उसको हमें कैलकुलेट करना है कि क्या वो कि हर ईयर में जो अमाउंट बन रहा है वो ए पी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक है तो फर्स्टली हम लोग चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में अमाउंट कितना बनेगा पहले तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें तब हम अमाउंट निकाल पाएंगे ठीक है तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है पी इन टू आर इंटू टी अपॉन हंड्रेड तो पी की वैल्यू क्या है वन थाउजेंड आर है टेन और क्योंकि वन ईयर के लिए हम निकाल रहे हैं तो टी की वैल्यू वन हो गई अपॉन हंड्रेड ओके तो यहाँ पे रुपीज़ हंड्रेड का जो है वो सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है इससे हम निकाल लेते हैं फर्स्टली अमाउंट तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी प्लस एस आई ओके okay, तो फर्स्ट ईयर के बाद हमें अमाउंट क्या मिलेगा वन थाउजेंड प्लस हंड्रेड करेंगे मीन्स इलेवन हंड्रेड का अमाउंट मिल रहा है तो हमें जो एपी मिलेगी वो क्या मिलेगी देखिए फर्स्ट में हमने प्रिंसिपल क्या रखा है वन थाउजेंड रखा है तो हमें नेक्स्ट ईयर के लिए क्या मिला अमाउंट क्या मिला एलेवन हंड्रेड का मिला है तो आगे क्या हो जाएगा अगेन हंड्रेड उसमें ऐड हो जाएगा ठीक है हंड्रेड का इंटरेस्ट और मिल जाएगा हमें नेक्स्ट ईयर के लिए तो यानि कि अब हमें हमारे पास अमाउंट क्या हो जाएगा ट्वेल्व हंड्रेड का हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए फिर थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा अगेन सिंपल इंटरेस्ट हमें हंड्रेड का मिलेगा वन थाउजेंड पर है ना तो क्या मिलेगा हमें थर्टीन हंड्रेड रुपीज़ मिलेंगे तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ सीरीज़ हमें मिल रही है तो यहाँ पर इनके बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है हंड्रेड का आ रहा है यहाँ पे भी डिफरेंस क्या आ रहा है हंड्रेड का यहाँ पे भी डिफरेंस क्या आ रहा है हंड्रेड का आ रहा है ठीक है तो हर केस में डिफरेंस क्योंकि सेम है इसलिए यहाँ पर ये एपी फॉर्म करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं ठीक है तो ये ए पी यहाँ पे फॉर्म करेगा इट फॉर्म्स एन ए पी एस डी इज सेम फोर्थ पार्ट इज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन फूड आइटम आफ्टर ईच सेकेंड वेन दे डबल इन एवरी सेकेंड देखिए जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है किसी एक सर्टेन आइटम में फूड आइटम में दे रखा है कि वो हर सेकेंड में क्या हो जा रहे हैं अपने से डबल हो जा रहे हैं तो मान लीजिए मान लीजिए हमने स्टार्टिंग में मान लिया कि वो एक्स हैं ठीक है तो नेक्स्ट सेकेंड में क्या हो जाएंगे टू एक्स हो जाएंगे फिर आगे क्या हो जाएंगे वो फोर एक्स हो जाएंगे मीस तो अपने से ही डबल हो रहे हैं हर सेकेंड में अपने से ही डबल हो रहे हैं तो फर्स्ट सेकेंड में एक्स हो गए सेकेंड 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 में क्या हो जाएंगे नेक्स्ट सेकेंड में क्या हो जाएंगे टू एक्स हो जाएंगे थर्ड सेकेंड में फोर एक्स हो गए फिर आगे सेकेंड में क्या हो जाएंगे एट एक्स हो गए तो इस तरीके से वो डबल हो रहे हैं है ना तो इनके बीच का हम डिफरेंस निकाल लें तो अगर डिफरेंस निकालेंगे टू एक्स माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी एक्स की मिलेगी फोर एक्स माइनस टू एक्स करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी टू एक्स की मिलेगी यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी फोर एक्स की मिलेगी एंड इस तरीके से आगे मिलती जाएगी तो यहां पे जो डी की वैल्यू है वो सेम नहीं है इसलिए ये ए पी सीरीज फॉर्म नहीं करेंगे तो यहां पे आंसर क्या लिखेंगे कि इट डज नॉट फॉर्म डज नॉट फॉर्म एन ए पी एस डी इज नॉट सेम क्लियर नाउ एट क्वेश्चन इज जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से दैट द फॉलोइंग आर द एंथ टर्म्स ऑफ एन ए पी यहाँ पर हमें चेक करके बताना है कि क्या ये एंथ टर्म हो सकता है किसी ए पी का तो फर्स्ट केस में देखिए यहाँ पर अगर हम ए एन की वैल्यू टू एन माइनस थ्री ले रहे हैं ठीक है तो पहले तो हम सीरीज़ बना के देख लेते हैं तो यहाँ पर अगर एन की वैल्यू वन होती है ठीक तो ए वन की वैल्यू क्या हो जाएगी टू इंटू वन माइनस थ्री इट मीन्स टू माइनस थ्री वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन की आएगी जब एन इक्वल टू टू होगा तो ए टू की वैल्यू क्या हो जाएगी टू मल्टीप्लाई बाय टू माइनस थ्री इट मीन्स फोर माइनस थ्री है ना वैल्यू क्या आ गई वन की आ गई जब एन की वैल्यू थ्री होगी तो ए थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगी टू मल्टीप्लाई बाय थ्री माइनस थ्री इट मीन्स थ्री की वैल्यू है और जब एन की वैल्यू फोर है तो यहाँ पे ए फोर की वैल्यू क्या हो जाएगी टू मल्टीप्लाई बाई फोर माइनस थ्री इट मीन्स एट माइनस थ्री फाइव वैल्यू है तो यहाँ पे जो हमें सीरीज़ मिल रही है वो हमें क्या मिल रही है माइनस वन वन थ्री फाइव एंड सो ऑन तो यहाँ पे जो है ए टू माइनस ए वन की वैल्यू देख लेते हैं ए टू माइनस ए वन इज़ इक्वल टू वन माइनस माइनस वन हो जाएगा इट मीन्स टू की वैल्यू हो जाएगी देन हम ए थ्री माइनस ए टू निकाल लेते हैं थ्री माइनस वन वैल्यू आ गई टू देन हमने ए फोर माइनस ए थ्री निकाला तो फाइव माइनस थ्री वैल्यू आ गई टू अब यहाँ पे क्योंकि डी जो है हमें हर केस में क्या मिल रहा है सेम मिल रहा है इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये एंथ टर्म है ठीक है ए पी सीरीज का nth टर्म हो सकता है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा yes हमें मिली नाइन ठीक है फिर हम निकाल लेते हैं ए थ्री माइनस ए टू तो यहाँ पे क्या मिलेगा ए थ्री है थर्टी टू थर्टी टू माइनस सेवनटीन हम हैं ठीक है फिफ्टीन की तो हमने इन्हीं दोनों का ही डिफरेंस निकाल के देख लिया यहाँ पे ए टू माइनस ए वन इज नॉट इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ ये हमारा ए पी सीरीज़ फॉर्म नहीं कर रहा है और ए पी सीरीज़ जब फॉर्म नहीं कर रहा है तो ये एंथ टर्म भी नहीं हो सकता है तो यहाँ पे सिंपली आंसर क्या हो जाएगा नो no. थर्ड पार्ट इज वन प्लस एन प्लस एन स्क्वायर अगर ये ए एन है वन प्लस एन प्लस एन स्क्वायर है तो फर्स्टली हम एन इक्वल टू वन पे इसकी वैल्यू चेक कर लें ए वन पे तो वन प्लस वन प्लस वन का स्क्वायर किया तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिली थ्री की मिली है ओके एन इक्वल टू टू है तो ए टू की वैल्यू क्या हो जाएगी वन प्लस टू प्लस टू का स्क्वायर इट मीन्स वन प्लस टू प्लस फोर तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिली सेवन की मिली एन इक्वल टू थ्री है देन ए थ्री इज इक्वल टू वन प्लस थ्री प्लस थ्री का स्क्वायर so, so, तो इट मीन्स वन प्लस थ्री प्लस नाइन तो वैल्यू मिली थर्टीन की ठीक है तो यहाँ पे भी हम निकाल लेते हैं यहाँ पे जो नंबर्स हमें गिवेन है नंबर्स हमें मिले थ्री सेवन थर्टीन एंड ऑन ठीक है तो फर्स्टली हम ए टू माइनस ए वन निकाल लें इट मीन्स सेवन माइनस थ्री किया वैल्यू मिली फोर की ओके okay. देन हम ए थ्री माइनस ए टू की वैल्यू निकाल लें तो थर्टीन माइनस सेवन तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है सिक्स की मिल रही है ठीक है हमें सिक्स की मिल रही है तो यहीं पे हमने चेक कर लिया ए टू माइनस ए वन इज़ नॉट इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू है तो ये ए पी सीरीज़ नहीं बन रही है तो इट मीन्स ये हमारा एंथ टर्म भी उसका नहीं हुआ तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा नो no. आई होप ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टेल देन बाय बाय